चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि आने वाले दिनों में चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन को कई सौगात मिलने के अलावा नई ट्रेनों के शुरू होने की भी संभावना है। सांसद सीपी जोशी ने खास बातचीत में बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में देश उन्नति के पथ पर अग्रसर है, रेलवे भी इसमें पीछे नहीं है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के साथ ही जिले में कई जगह नए काम तेजी से जारी है। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन के पूर्वी भाग पर प्रवेश द्वार बनाकर तैयार है, इसके अलावा फुटओवर ब्रिज पर लिफ्ट का काम भी लगभग पूरा हो चुका है, जिसे जल्द ही आमजन को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बंद पड़ी कई ट्रेनों को भी शीघ्र शुरू करने की कोशिश जारी है, जिससे आमजन को आवागमन में सुविधा मिलेगी। कि भारत सरकार ने अनेक योजनाएं इस क्षेत्र में दी, इस क्षेत्र में दोहरीकरण का काम भी चल रहा है। चित्तौड़ से नीमच के बीच में, रतलाम से चित्तौड़गढ़ कोटा विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया, अजमेर से चित्तौड़ उदयपुर विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया। मांग खड़ीसा की जो आजादी के बाद से अब तक के लोगों की मांग थी कि हमारी गेज कन्वर्जन हो, ब्रॉडगेज हो, वो लगभग काम पूरा होने वाला है और अगले वर्ष उसका उद्घाटन, इसी वर्ष में उसका उद्घाटन होगा। अहमदाबाद से उदयपुर गेज कन्वर्जन का काम जो पिछले कई वर्षों से चल रहा है, 2022 में वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद ट्रेनों की सौगात इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगी। हमने सर्वे के मामले में भी हमारा अजमेर से चित्तौड़ दोहरीकरण का सर्वे हो, चाहे कपासन से निम्बाड़ा सामराजी वाया होते हुए सर्वे हो, चाहे मंदसौर से प्रतापगढ़ सर्वे हो, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा का सर्वे हो, अनेक सर्वे भी इस संसदीय क्षेत्र के लोगों, ताकि अगर उसमें वायबिलिटी आएगी तो रेलवे उस पर विचार करेगी। एंट्री भी